थोड़ा तो आता है, अगर थोड़ा आता है तो क्या तुम ये जो लिख रखे हैं, कंपाउंड दिख रहे हैं सामने अच्छे से, साफ दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आप क्या इसका नेम बता सकते हो मुझे, क्या होगा? बोलो भाई राहुल, देखना चमन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थ्री डाई मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड। सेकंड का बताओ, कौन बताएगा सेकंड का? सिमरन, तुम ट्राई करोगी? यस मैम। सेकंड का बताओ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? मैम जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होता है। फंक्शनिंग, अब यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, एन की बात हो रही है, हम एल के एन एल की एन की बात करेंगे, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लो, कहीं से भी नाम बताओ क्या होगा, फिर बता दूंगी मैं अगर कोई गलती टू होगी। थ्री टू डबल बॉन्ड इथाइल होगा मैम, ब्यूटेन, टू टू टू, टू थ्री इथाइल ब्यूटेन नहीं मैम मैं बताऊं, मैम, टू डाई नहीं मिथाइल। टू टू डाइमिथाइल, ठीक है, दो बार है तो दो बार लिखोगे, और उससे भी पहले एक और चीज आएगी, इथाइल। इथाइल को आप पहले लिखते हो, पता है? आयशा, आप यस मैम, ट्राई करोगी? थ्री इथाइल टू टू मैम डाई थ्री मिथाइल इथाइल टू ब्यूटेन। टू डाई मिथाइल वन टू थ्री पेंटेन। ब्यूटी, सॉरी पेंटेन। हाँ क्लियर है आदर्श जी, कुछ समझ में आया? क्या बोले हैं बच्चे? भाई ये जिसके आगे डैश लिखा है, इस बच्चे का नाम क्या है मुझे बताएगा कोई? यही बच्चा बताएगा, और तो कौन बताएगा? बोलो भाई, नेम क्या है आपका, जिसके आगे कोई नेम नहीं लिखा? अगर कोई नेम नहीं लिखा हुआ क्लास के अंदर एंटर में, मैं बच्चे रिमूव कर दूंगी। मेरे ख्याल से तुम कोई शरारत करने आए हो, लेकिन शायद तुम पहले भी आ चुके हो। नाम बताना भाई अपना एक बार फिर से। युक्ति, अरे युक्ति जी, नाम रख लो कुछ, पेपा पिग ही रख लो, एक बच्चा आता था पेपा पिग, तुम्हारे यश में आता है? अरे चलो भाई चलो, फटाफट से मुझे बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक है युक्ति, सॉरी फॉर, ये बताओ नेम बताओ थर्ड क्वेश्चन का, क्या नेम होगा इसका? वन वन टू थ्री फोर, क्या नेम हो जाएगा इसका? मैम टू टू थ्री डाई इथाइल ब्यूटेन। डाइथाइल ब्यूटेन। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है? यस मैम। अब नंबर फोर्थ का बताओ, फोर बताओ क्या होगा, फोर का नेम क्या होगा? फोर के लिए पहले आपको इसके लिए ओपन स्ट्रक्चर बनाना होगा बच्चे, अगर ये आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर टू लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ पर? टू दिख रहा है, तो इस बात का क्या मतलब है कि सी एच इस सी से, मतलब ये एच जो है इसका हटा दो, एच ऐसी लगा है इस पे, इस सी से एक तो आपका सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अटैच है, एक सी एच टू सी एच थ्री और अटैच है, यानी कि दो सी एच टू सी एच थ्री से अटैच है, और एक सी एच और सी एच थ्री तो अटैच है ही, क्लियर? और साथ में फिर चेन है सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, क्लियर है? नंबरिंग कर दोगे लॉन्गेस्ट चेन? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्या आप लोगों को इसका नेम पता है क्या होता है? अगर ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग हुई है, सी एच सी एच थ्री और सी एच थ्री अगर लिखा है तो इसका नेम क्या है? मैम आइसो नहीं, आइसो वगैरह, आइसो प्रोपाइल तो ये है ही, आई यू पी ए सी नेम बन बताओ। मिथाइल इथाइल हाँ इसका नेम क्या है? मिथाइल इथाइल, और ये कौन सी पोजीशन पे लगा था इस पे? नंबरिंग करूंगी तो वन टू थ्री फोर, दोनों तरफ से फोर आ रहा था तो मैंने फोर लिया, फोर्थ पोजीशन पे लगा है इथाइल और मिथाइल इथाइल, किसी को दिक्कत है मिथाइल इथाइल लिखने में? इसको नो मैम। पोजीशन पे आपका है ये वन वन मिथाइल इथाइल, वन किया ब्रैकेट, और फिर क्या लगा हुआ है, और इस पे प्रोपाइल ग्रुप भी लगा है, तीन कार्बन की चेन है तो क्या लगा हुआ है इस पे? फोर पे ही प्रोपाइल, और कितने कार्बन की चेन थी ये पूरे? फाइव सिक्स सेवन सेवन, हेप्टेन। बोलो भाई ये नाम आएगा, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इसको मैंने खुद इसलिए किया कि इसको हमें पहले तो ओपन बनाना था, और फिर ये ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग वाला पार्ट है तो आना चाहिए। किसको डाउट आ गया भाई, पूछ लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। शहबाज, बट मैम इथाइल मिथाइल होगा ना? यस मैम।
मतलब इथाइल मिथाइल नहीं बचे, जब हम ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग करेंगे तो जो मेन है वो उसको पीछे लिखेंगे, जो ये मेन चेन है 1 2, अब मेन चेन इसकी ये है, क्लियर है? मतलब ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग है, तो जो मेन है मिथाइल फिर इथाइल, क्लियर है? क्लियर है आदर्श? क्योंकि अब ये ब्रांचिंग की ब्रांचिंग है तो यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं देखना है, क्लियर? इसका 7th वाला भी सेम ऐसे ही है, खुद करके देखना एक बार। इसमें ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन की चेन बन रही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे ये है। 5th वाला पार्ट देखो फटाफट से, 5th वाला पार्ट बताओ। तुम लोगों के यूटी वगैरह चल रहे हैं क्या? नो मैम। तो इतनी लेट कैसे आ रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5th का बताओ। देखो 5th में आपके पास, आप ऐसे भी नंबर, इसको पहले आपको लॉन्ग चेन ढूंढनी है। मैंने आपको एक रूल बताया होगा कि लॉन्ग चेन अगर दोनों तरफ से सेम आ रही है तो आपको उस वाली लॉन्ग चेन को लेना है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज हो, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा झल्लर लटक रहे हो, मतलब ब्रांचेज हो। आप अगर 1 2 3 4 5 6 7 ये लेते हो तो एक ब्रांच ये निकली, एक ये, एक ये, तीन ब्रांच आ रही है। जब आप इसको ले रहे हो, इस वाली ब्रांच को ले रहे हो एज अ लॉन्ग चेन, तो आपके पास 3 ब्रांचेज आ रही है और 7 कार्बन है। लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे हो 1 2 3 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7, तब भी 7 कार्बन की चेन है, लेकिन ऐसे करने में आपके पास ब्रांचिंग जो है वो ज्यादा आ रही है, 1 2 3 और 4, 4 ब्रांचिंग निकल कर आ रही है, दिख रही है? एक ये, दो ये और तीसरी ये, चौथी ये, बोलो भाई, 4 ब्रांचिंग निकल रही है। तो आप वो वाली चेन को एज अ लॉन्ग चेन लोगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी, ये भी एक रूल है, क्लियर है? यस मैम। तो यस आप मैम। नंबर करो यहाँ से, 1, क्या नेम होगा इसका, 1 2 3 4 5, फिर से ट्राई करो, 6 7। थर्ड पोजीशन पे है क्या इथाइल, 3 पे क्या है इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है। सेकंड 4 5th, सेकंड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी ट्राई मिथाइल, क्लियर है? ट्राई मिथाइल हेप्टेन, यस, यस मैम। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? करिश्मा, चमन, आयशा, सृष्टि, अच्छा दो सृष्टि, बोलो भाई, क्लियर है? कोई डाउट फिर से बताऊं कैसे? नो मैम। यस हाँ मैम। फिर से बताऊं बच्चे? नो मैम। क्लियर नो है। मैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं ये शीट जो है आपके पास दूंगी, आपको इसमें नेमिंग खुद करनी होगी, ठीक है? देखूंगी अगर टाइम मिलेगा तो डाल दूंगी नेम भी, नंबर 1 2 3 करके, वरना आपको खुद नेम बता रही हूँ, साथ के साथ लिखते जाओ, ठीक है? नाम इधर बताओ, ना समझ में आया तो पूछ लेना एक बार। नंबरिंग कैसे करोगे आप इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी। कौन से साइड से करोगे, ब्लू वाले से या फिर येलो वाले ब्लू से, किस साइड से करोगे? वाले से मैम, ब्लू वाले से। हाँ ब्लू वाले से करेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की ये चेन बन रही है। अच्छा, ये 4 नंबर पे जो ये लगा हुआ है CCH3 ग्रुप, क्या आप मुझे इसका IUPAC नेम बता सकते हो? CH3 CH3 CH3, और ये पूरी चेन से लगा है। कॉमन नेम तो तुम्हें पता होगा, टर्शरी ब्यूटाइल, यही था ना कॉमन नेम? यस मैम। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ भाई, राहुल, दिनेश? वन वन डाई मिथाइल इथाइल। गुड इवनिंग पवन। 1 1 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्लियर है सबको? क्लियर है, ये इसका नेम ये होगा आई, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूट जब ये लगा है तो। अब इसकी नेमिंग कर सकते हो इजीली, बोलो भाई, नेम बताओ बस। नो मैम। क्लियर नहीं है क्या क्लियर नहीं है इसमें? मैम। जो नेम डाइन मिथाइल। आपने अभी इससे पहले वाले में तो कुछ नहीं कहा था, जब हमने प्रोपाइल वाले का किया था, सेम वही तो किया। प्रोपाइल वाले में क्या था, एक ये मेन चेन से, मेन चेन कुछ होगी, चलो छोड़ो, उसमें जो जो लटक रहे हैं उनको बाद में देखेंगे, पहले इसकी बात अगर मैं करूं, तो हमने जब इस प्रोपाइल को किया था तो हमने इसका नाम क्या लिखा था, 1 और ये 2, तो 1 मिथाइल
और ये पीछे वाली जो चेन है इसका नाम दिया था इथाइल, यही किया था। अब आपके पास यहाँ पे भी सी एच थ्री है, यहाँ पे भी सी एच थ्री है, और यहाँ पे भी सी एच थ्री है, तो वन और टू, और वन पे वन वन डाई मिथाइल, और चेन जो थी वो इथाइल की है, तो इथाइल। क्लियर है? यस मैम। डाई मिथाइल इथाइल नाम हो गया आपका इस वाले का। और जब आपकी ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग हो रही होगी तो आप उसको पहले लिखते हैं, नंबरिंग नेमिंग लिखते हुए आप उसको पहले लिखोगे जहां ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग है। तो इसका नेम क्या लिखोगे आप, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है ये, फोर्थ नंबर पे आ रहा है। फोर्थ नंबर पे क्या है, वन वन डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। और उसके बाद क्या क्या आ रहा है भाई आपके पास, क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे हैं हम। ये कितने नंबर, वन टू थ्री फोर, थर्ड पे क्या है आपका इथाइल ग्रुप, थर्ड पे क्या है थ्री इथाइल, थर्ड पे क्या है इथाइल, और क्या है वन टू थ्री फोर पे, और फाइव सिक्स सेवन, फोर और सेवन पे क्या है बच्चे डाइमिथाइल। क्लियर हुई बात, डेकेन, दस कार्बन की चेन थी इसलिए डेकेन। क्लियर हुई बात? पवन लेट आयो बच्चे, कुछ समझ नहीं आएगा। yes, बच्चे मैं नेमिंग में नंबरिंग करना बता रही हूँ और सब्स्टिट्यूट कैसे लेना है, उसके नेम कैसे लिखने हैं वो बता रही हूँ। क्लियर है इसका नेम? क्लियर है? फिर से रिपीट करूं, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर सिक्स दिख रहा है अच्छे से? यस मैम। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बच्चे एक ग्रुप आपका ये वाला लगा हुआ है, एक ग्रुप है ये वाला, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप है ये। अब इन सबके नेम मैंने लिखे, इस वाले ग्रुप का नेम, ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग हो रही है, अगर अगर क्या हो रही है इसमें ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग हो रही है, तो मैंने इसको अलग से लिखकर दिखाया था आपको कि ये ऐसा होगा, ये मेन चेन से इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। सी के पास तीन सी एच थ्री अटैच है, सी के पास तीन सी एच थ्री अटैच है, सी के पास सी एच थ्री इधर, सी एच थ्री इधर, सी एच थ्री इधर। अब इसका नेम मुझे रखना है, तो ये ब्रांचिंग का भी ब्रांचिंग है, तो इसका नेम हो जाएगा, वन नंबर पे तो है दो मिथाइल, तो वन वन डाइमिथाइल, और वन टू ये था तो इसलिए इथाइल। क्लियर है? वन वन डाइमिथाइल इथाइल। फोर नंबर पे इसका नेम पहले ये लिखा, आपको ये पूरा सीधी लाइन में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। थर्ड नंबर पे वन टू थ्री नंबरिंग करी, थर्ड नंबर पे है इथाइल तो आपने इथाइल लिखा, फोर और सेवन नंबर पे है फोर सेवन डाइमिथाइल लिखा, और पूरी लॉन्ग चेन जो थी वो टेन कार्बन की थी तो इसलिए डेकेन। क्लियर हुआ भाई पवन? क्लियर हुआ भाई? बोलो भाई क्लियर है? अगर अभी से तुम सिक फील कर रहे हो तो बाद में क्या होगा भाई, मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने फर्स्ट टर्म भी ठीक से पढ़ा होगा। चलो वन नंबरिंग करते हैं फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फोर नंबर पे ये वाला जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप का नंबर नेमिंग कैसे करोगे पवन, तुम बताओ। पवन कह रहा है किससे पूछ लिया भाई, कहां से बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वन मेन चेन से जो कार्बन अटैच होता है उसे वन नंबर दिया, इसे टू, ये मेन चेन से अटैच है, मैंने ये वाली को ना ऐसे ऐसे शो कर दिया, वन टू, तो इसका नेम क्या है, और ये फोर्थ पोजीशन से अटैच था यहाँ पे, हाँ, तो मैंने इसको लिखा वन, फोर पोजीशन पे वन वन डाइमिथाइल, ठीक है, और दो थे ये तो इसलिए लिखा इथाइल, अगर ये तीन होते तो प्रोपाइल लिखती। क्लियर है? वन टू थ्री अगर होती चेन की तो यहाँ प्रोपाइल लिखती, अभी दो की ही चेन है तो इथाइल लिखा, बंद किया ब्रैकेट। ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे टू के लिए, क्या टू पे कुछ है नहीं, वन टू इस पूरे का नाम ही तो इथाइल है। ओके मैम। और उसके बाद आया आया थर्ड पोजीशन पे, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है आपका इथाइल, ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है इथाइल, और टू और सेवन नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी फोर और सेवन नंबर पे क्या है मिथाइल ग्रुप, फोर और सेवन नंबर पे क्या बना हुआ है इथाइल ग्रुप, इथाइल, ये रहा फोर, ये सेवन नंबर, और ये रहा आपका कहां गया फोर, ये रहा फोर नंबर। क्लियर है? वन टू थ्री फोर, फोर और सेवन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसलिए आपने लिखा फोर सेवन
डाई मिथाइल डेकेन। क्लियर हुई बात भाई? नहीं नहीं अब समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है। अब समझ में आ गया भाई? यस मैम। क्लियर है भाई? इतने फिर दोबारा दोबारा बता के। आदर्श मुझे भी लग रहा है तुम मेरा नाम डुबो गए। क्वेश्चन नंबर 7 सेम वैसे ही है जैसे अभी फोर्थ किया था, करके देखना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने क्या किया था, फोर्थ किया था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सबसे पहले तो ये CH2 5 दिख रहा है, ये चेन लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बन रही है कोई मुझे बता दो, कार्बन काउंट करके। कार्बन काउंट करके मुझे ये लॉन्ग चेन जो है आपकी कितने कार्बन की बन रही है ये बता दो। बारह ढंग से गिनो फिर मैम, से। 13 आयशा मैम, 14 अरे 14 कहां से आया, काउंट करो। मैम, 13 ना। हाँ 13 की बन रही है। काउंट करो इसकी कार्बन। 1 5 ये हो गए, 1 और 5 1 और 5 6 वन ये, और ये CH2 5 लिखा है। CH2 5 अगर ये कंप्रेस में लिखा है, अगर तुम इसे खोल के लिखोगे तो ऐसे ऐसे लिखोगे। क्लियर है? इसलिए ये CH2 5 लिखा है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्लियर है? 13 कार्बन। यस आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे। 1 ब्लू से लिखती हूँ, व्हाइट पे ज्यादा सही दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 5 ये हो गए, कितने हो गए 12 और एक ये हो गया 13। 13 कार्बन की चेन को ट्राई डेकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई डेकेन। अब जिसको ये वाला मिथाइल इथाइल वाला ये समझ नहीं आया था वो इस वाले बड़े ध्यान से देखना बच्चों। ये CH3, अब जो ये ग्रुप लटका है ना बगल में मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो ये वाला ग्रुप है ना ये पूरा अटैच्ड है इस मेन चेन से, मैं इसे बता रही हूँ ध्यान से देखना। और इसकी नेमिंग तुम कैसे करोगे ये तुम्हें पता होना चाहिए। CH CH3 उसके बाद CH CH3 यहाँ, फिर एक CH2, 1 2 3 यही ग्रुप लगा हुआ है इस वाले इस पूरी मेन चेन से, ये ग्रुप लगा हुआ है ठीक है। पवन आदर्श ध्यान से देखो, युक्ति सारा ध्यान यही होना चाहिए। अब ये मेन चेन से आपकी एक चेन जो जा रही है आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? पहले नंबर जो मेन चेन से जो ये कार्बन नीचे को आया इसको नंबर दोगे 1, उसके बाद लॉन्ग की तरफ जाओगे तो 2 3 4 5 क्लियर है? मेन चेन ये है और ये मेन चेन से भी जो सब ब्रांचिंग हो रही है उसकी नेमिंग कैसे करनी है उसकी बात मैं बता रही हूँ। क्लियर? मेन हाँ मेन चेन से जो कार्बन आया आपने उसको दिया नंबर 1, अब आप इसको कैसे इसकी नेमिंग करोगे क्या लिखोगे? 1 1 ये किस नंबर से लटका हुआ है इसमें? 7th नंबर से, 7th पोजीशन से ये, मतलब 7th पोजीशन से ये लटका हुआ है नीचे को, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7 इसके बाहर से 7। 7 नंबर से जो कार्बन लगा है 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, 1 और 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, 1 पे भी मिथाइल है और 2 पे भी, 1 2 डाई मिथाइल, और ये चेन कितने की थी 5 की, तो इसलिए इसका नाम हो गया पेंटाइल ब्रैकेट 1। क्लियर हुआ? इस ग्रुप का नाम आपने रख लिया 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल पेंटाइल, और 5th नंबर पे आपका इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। 5th नंबर पे और क्या लगा हुआ है आपका एक, ये नेमिंग हो गई भाई चेन से जो नीचे आ रहा था उसकी नेमिंग हो गई, ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग की नेमिंग हो गई है। अब बचा हुआ बाकी का कंपाउंड, जो बाकी का कंपाउंड है मेरे पास इसकी नेमिंग हो गई ठीक है। अब मेरे पास क्या ग्रुप नीचे लटक रहा है, ये वाला, और कौन सी पोजिशन पे है, 1 2 3 4 5 5 पोजिशन पे आप लिखोगी 5 इथाइल ट्राइडेकेन। क्लियर है? इससे ज्यादा धीरे आराम से और एक्सप्लेन करके एक करके शायद मैं ना समझा पाऊं। सृष्टि एवरीवन समझ में आ गया? यस मैम। कलश रिदा? यस मैम। पहले मैंने ब्रांचिंग की भी उसकी नेमिंग करी और उसके बाद बाकियों को देखा ठीक है, और फिर मेन चेन में लिख दिया नेम। क्लियर है?
आप एल्केन कंपाउंड्स लिख लोगे ब्रांचिंग, आपको लॉन्ग चेन देखनी है. अब आ जाओ इस तरीके के कंपाउंड, अगर आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया है तो कैसे उसे बताओगे. ईम जो भी ग्रुप लगा हुआ है आप इसको नंबर वन प्रेफरेंस दोगे, क्लियर है, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाया आप उसको नंबर वन प्रेफरेंस दोगे. इस वाली चेन में ये जो ए पॉइंट है इसमें कितने कार्बन लगे हैं काउंट करो, 1 2 3 6 4 5 6 7 8. जब अगर ये इस तरीके से बना होता और यहाँ पर ये पूरा ही अगर ऐसे होता तब मैं कहती कि ये कार्बन ठीक इसके यहाँ पर है, क्लियर है. उसने इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में भी उसने यहाँ पर गैप दिया हुआ है, क्लियर है, दिख रहा है ये जो गैप, ये मतलब कि ये कार्बन की इसके बीच में पहले तो उसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना था, नहीं छुटा हुआ है स्पेस, तो आपको पता होना चाहिए ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में यहाँ पे भी कार्बन है, क्लियर है. ये बात 8 की चेन बन गई, क्लियर हुआ भाई, बोलो भाई समझ में आई बात. ऐसे ही करोगे तो 1 2 3 ये रहा, 4 ये, 5 ये, क्लियर है. इसका नेम बताओ क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या नेम हो गया इसका, ऑक्ट. 1 ईम 1 2 3 4 फोर आइन, क्लियर है, 4 आइन. आइन कब आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है तो ईन आता है, ये बात सबको पता है. यस मैम. ऑक्ट 1 ईन, ईन में आप ई को हटा दोगे, ईन और 4 आइन, क्लियर है, बोलो भाई. नेक्स्ट बी पार्ट, किसे समझ नहीं आया अभी, कोई है जिसे समझ ना आया हो, आदर्श, आदर्श आपको कुछ ही समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊं, बताओ आपको एक बार समझने की कोशिश करो भाई. नेक्स्ट आओ, नंबरिंग कहां से करेंगे, ग्रीन वाले से, आदर्श बताएगा नंबरिंग कहां से होगी, ग्रीन से या ब्लू से, दोनों ही ग्रीन ही होगा. आदर्श नंबरिंग यहां से करूं या फिर यहां से करूं, ग्रीन या ब्लू बता सकते हो, ग्रीन से, ठीक है, क्योंकि वहां से ईन ग्रुप लग रहा है तो उधर से नंबरिंग, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. फोर्थ पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप लगा है बच्चे, इसका मतलब ये जो ऐसे करके लगा है, इसका मतलब है ये भी कार्बन ये भी कार्बन. जब आपके दो कार्बन है तो वैलेंसी आपको खुद पूरी करनी है CH3 CH2 लगा के, मतलब लगाना नहीं है आपको, पता होना चाहिए दो कार्बन है तो मीन्स ये क्या लगा हुआ है, इथाइल. ये क्या लगा हुआ है मेरे पास, इथाइल लगा हुआ है. नंबर नेमिंग करोगे क्या नाम लिखोगे इसका, 4-ethyl 4-ethyl 2-cyclopropyl. सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल हेक्सीन, क्लियर है. ईन क्यों आया, क्योंकि वन पोजीशन पे ये ईन था, क्लियर है. अभी बात बी पार्ट, हाँ या ना तो बोल दो भाई, सृष्टि, आयशा, विकास, विकास, यस मैम. चलो अब ये सी वाले पार्ट की नेमिंग करो. अच्छा, अगर ईन और ये आइन और ईन दोनों तरफ से अगर आपके पास फन नंबर आ रहा है तो प्रेफरेंस ईन को मिलेगा, आप नंबर वन इसको दोगे, क्लियर है. 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, क्या नेम हो जाएगा इसका, 3-3-dimethyl. 3-3-dimethyl क्यों आया, क्योंकि जो ये निकल रही है ना ये जो लाइन, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं और साइड्स ये होते हैं इनको कार्बन नाम होता है इनका, मतलब सी इस तरफ भी है, हाइड्रोजन अपने आप लगाना है, यानी कि CH3 CH3 लगाए. 3-3-dimethyl क्या नेम हो गया इसका, 3-3-dimethyl पेंट 1-ene 4-ine, 1-2-3-4-ine, क्लियर है, बोलो भाई. 3-3-dimethyl क्लियर है सबको, डी वाला पार्ट बताओ, डी वाले पार्ट का बताओ. इसमें नंबरिंग करोगे कि ये जो सब्स्टिट्यूट लगा ना ये वाला ग्रुप, ये क्या है, CH3, ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा ना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है और इसकी हाइड्रोजन CH3. नंबर करोगे 1 2 3 4 5 6, क्या नेम हो जाएगा इसका. अच्छा, ये वाला जो ग्रुप लिखा है इसका नेम क्या होता है ये देख लो,
अगर थर्ड पोजीशन पे उसके जो नंबर निकला हुआ था वो ऐसे था, तो बच्चे इस ये दो कार्बन का है, वन और टू दो कार्बन है, अगर इसमें दोनों कार्बन में नहीं होते तो मैं क्या नाम लिख देती हूँ इस वाले का, अगर ये इस तरह से ग्रुप निकला होता है इसका नाम इथाइल लिखती हूँ ना, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया है तो इसका नाम होगा इथीनाइल। क्लियर है? इसका नेम क्या होगा? इथीनाइल। बोलो भाई। अगर ये तीन की होती तो प्रोपीनाइल, अगर ये तीन होते इसमें ऐसे, सपोज ये जो कार्बन यहाँ से निकला है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये किसी से ऐसे लगा रहता तब ये वाला ग्रुप, तो इसका इसका नाम क्या लिखती मैं? इथाइनाइल। ठीक है, क्लियर है? ई मीन्स डबल बॉन्ड वाला है, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? कोई कुछ पूछ रहा था? अब क्लियर है? डाइन डाइन बताऊंगी भाई कहाँ होता है, जहां डाई होगा वहां डाइईन लग जाएगा, आएगा इसमें, इसी में आएगा डाइईन। अब डी ऑप्शन में नाम बताओ इसका क्या होगा, टू पोजीशन पे तो आपका मिथाइल है लेकिन थ्री पे आपका क्या है? थ्री इथीनाइल। क्लियर है? थर्ड पे क्या लगा हुआ है आपका? ये इथीनाइल। और टू पे क्या लगा है आपका? मिथाइल। और वन और थ्री पे क्या, इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो। नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। थ्री क्या था? थ्री पोजीशन पे क्या था बच्चे? इथीनाइल। और टू पोजीशन पे क्या था? मिथाइल। और इसका नेम क्या था? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्स वन और वन टू थ्री, थ्री पोजीशन, वन और थ्री पोजीशन पे आपका आ रहा था डाइन, वन थ्री डाइईन, मतलब कि दो डाइईन। क्लियर हुई बात भाई? समझ में आया डाइईन का? कुछ नहीं आया? ये मेरे पांच कार्बन है, ठीक है, छह, एक और, वन टू और यहाँ पे डबल बॉन्ड। मेन चेन जो भी आपकी रहेगी, अब सपोज लॉन्ग चेन ये आ रही थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अगर आप यहां से काउंट कर रहे थे तो वन टू थ्री फोर फाइव, मेन चेन जो रहेगी उसके अंदर आपके जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर ये ई नाइन जो भी है ये आना चाहिए मेन चेन के अंदर। तो उसके लिए चाहे वो चेन शॉर्टर भी हो रही हो तो आप उसको चूज करोगे। यहाँ पे मेन चेन जो मैंने एल शेप में बनाया है वो वाली जो है उसको मेन चेन लेंगे, क्योंकि उसमें दोनों ही ई आ रही हैं। बात क्लियर हुई? यस। मैं ये कह रही हूँ मेन चेन में ये वाली लूंगी क्योंकि इसमें मेरे दोनों ई आ रहे हैं, और इस अगर मैं ये वाली लेती चेन तो इसमें मेरा एक ही ई आता, तो मेरे दो ई आ रहे हैं, तो मैं ये वाली चेन को लूंगी, नंबरिंग करूंगी, वन टू थ्री, वन वन टू थ्री फोर फाइव। थर्ड पे पोजीशन पे क्या निकला हुआ है? ये कौन सा ग्रुप है? ये प्रोपाइल। प्रोपाइल, तो इसका नेम होगा थ्री प्रोपाइल। थ्री प्रोपाइल, वन टू थ्री फोर फाइव, चेन है तो पेंट। पेंट पे क्या है? वन और वन टू थ्री फोर, वन और फोर पोजीशन पे आपका क्या है? डाइईन। समझ में आया पवन? डाइईन कब लेंगे? जब दोनों झन दो बार ईन आ गया, वन और फोर पे दो बार आया है तो वन फोर डाइईन। क्लियर है बात? यस मैम। एक्सेप्शन तो कहीं आया ही नहीं आदर्श, कहाँ पढ़ रहे हो तुम? एक्सेप्शन कोई नहीं आया, अभी रूल बता रही हूँ एक करके। रूल्स हैं, ये कह सकते हो तुम, रूल्स हैं बहुत सारे। क्लियर है? आओ ये करें। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने फंक्शनल ग्रुप करवाए थे तुम्हें, कुछ किए हैं तुमने फंक्शनल ग्रुप याद करने के लिए करे थे? यस मैम। ये कौन सा फंक्शनल, इसका नेम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका क्या होता है? सल्फोनिक। इसको क्या नेम देते हैं? सल्फोनिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद आते हैं आपका एस्टर, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं, अगर ऑर्डर की बात करूं, प्रेफरेंस ऑर्डर की? फंक्शनल ग्रुप अभी तक एक भी नहीं हुआ है ना? इसमें एक भी नहीं। ये एक बार फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर याद कर लो, और ये नेम पता होने चाहिए इनको क्या कहते हैं, इनका जब प्रीफिक्स यूज करते हैं सफिक्स यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, ठीक है?
एक बात बताओ, तुम वीक में सिर्फ 2 ही बार पढ़ते हो, तो बाकी टाइम तुम्हें पता तो होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही होंगे भाई, स्कूल में या फिर ट्यूशन में। और COCl, उसके बाद आता है आपका CONH2। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, CONH2 के बाद क्या आएगा, CN। उसके बाद क्या आता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद आता है आपका कीटोन ग्रुप। अब ये ऑर्डर क्या है भी बताऊंगी, फंक्शनल ग्रुप ये सारे पता है, इसमें किसी का नेम ना पता हो कि इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं तो पूछो। उसके बाद आता है आपका OH ग्रुप, उसके बाद आता है आपका अमीन, और उसके बाद आएंगे आपके डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अभी मैंने एक ऑर्डर किया था जहां पे मेरा डबल भी आ रहा था और ट्रिपल भी आ रहा था, तो मैंने कहा था मैं प्रेफरेंस किसको दूंगी, डबल को। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगी, जहां से मेरा डबल बॉन्ड था। तो ऐसे ही जब मेरे इन सारे फंक्शनल ग्रुप में से कहीं भी 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तो मैं नंबरिंग प्रेफरेंस वाले को, मतलब जो इन इनमें बड़ा होगा उसको दूंगी। क्लियर है? इसमें कोई ग्रुप जिसका आपको ना पता हो, एस्टर हुआ है अभी तक? नहीं, एस्टर का भी नहीं पता होगा कि नेमिंग कैसे करते हैं, इसकी भी नहीं पता होगा, किसी की भी नहीं पता होगा। एल्डिहाइड ग्रुप की पता है, ये क्या बन रहा है, यस मैम, इसका नेम क्या है, बता सकते हो? प्रोपेनल। सारे बच्चे बताओ भाई, कोई है जिसे नहीं पता तो भाई पूछ लो। COCl, इसका नेम क्या होगा? OOH। फंक्शनल ग्रुप के एक एक एग्जांपल ले रही हूँ, फटाफट से बताओ मुझे इनके नेम क्या होंगे, इसका नेम क्या होगा? OH। बता रहे हो क्या कमेंट में, मैम स्कूल में कुछ नहीं करता तो ट्यूशन में मैं यही पता हूँ, और आप करते हो। मैम फोर्थ का मैम सेकंड इथेनॉल का नहीं होगा। पता। सेकंड का नहीं पता, ठीक है, फोर्थ वाले का क्या होगा, इथेनॉल। प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। थर्ड वाले का प्रोपेनॉइक, फर्स्ट वाले का प्रोपेनल। किसी को कोई दिक्कत की कैसे है प्रोपेनल, इसका नाम, फर्स्ट वाले का नाम प्रोपेनल कैसे है, ये बात इसमें किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। फर्स्ट वाले का नेम प्रोपेनल है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज। हाँ पूछो भाई। ठीक है, प्रोपेनल के जब भी एल्डिहाइड ग्रुप अगर आपका लगा है बच्चे, CH3, CH2, CHO को अगर मैं खोल, मतलब एक्सपेंड करके लिखूंगी, तो ये है C डबल बॉन्ड OH। पवन तुम कहीं भी नहीं पढ़ते हो मुझे लग रहा है। CHO, ठीक है, ये CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये जहां पे भी लगा होता है, इसको एज अ सफिक्स मैं जब यूज करती हूँ तो मैं पीछे से अल लगाती हूँ। लाइक CH3, CH2OH अगर मैं लिखूंगी तो इसका नाम होता है इथेनॉल। 2 कार्बन थे इसलिए इथेन, और ओल क्योंकि ये OH ग्रुप था। ऐसे ये CHO ग्रुप अगर लगा है तो 1, 2, 3 नंबरिंग करी, 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपेन, और अल इसलिए क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप था। अब मैं ये चीज तुम्हें तभी बता सकती हूँ आगे और अच्छे से, जब तुम लोगों ने अपनी बुक में से निकाल के जितने भी कंपाउंड हैं उनके नेम सफिक्स याद किए हो, ठीक है, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सफिक्स आपको पता होने चाहिए क्या है, और जब वो एज अ प्रिफिक्स यूज होंगे तब उनका नाम क्या लिखेंगे तब आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे जैसे कंपाउंड आता रहेगा तो मैं बताती रहूंगी, लेकिन आपको एक बार याद भी रखने होंगे। क्लियर है? ठीक है यस भाई। मैम। हाँ तो ओइक वाला सबको पता है, CH3, CH2, जब ये वाला ग्रुप जो लगता है COOH, सॉरी COO, 2 O हो गए यहाँ पे और H, ठीक है, यानी कि CH3, CH2, COOH, तो इसको ओइक बोलते हैं। इसका नेम होता है प्रोपेनोइक, ओइक लगता है इसके लिए सफिक्स, प्रोपेनोइक एसिड सफिक्स, ठीक है। नेम प्रोपेन तो आपने लिखा प्रोपेन के लिए, और इस COH की जगह ओइक लगाया। अब एक क्वेश्चन था उसमें CH3, CH2, COCl, इसका जो प्रीफिक्स लगाते हैं बच्चे वो होता है प्रोपेनॉइल, ऑयली। जैसे ओइक लग रहा है आपके, इसके लिए COCl के लगेगा ऑयल, और हलाइड जो भी आगे से लगा रहेगा, क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड, आयोडाइड होगा तो आयोडाइड। क्लियर हुई बात? CH3, CH2, 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 COCl ये लिखा है। आप पहले तो इसकी नंबरिंग करोगे, आपने इसकी नंबरिंग करी 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है?
नंबरिंग करने के बाद आपको पता चला पांच की चेन है, आप लिखोगे पेन टेन, जैसे ओइक लिख रहे थे ना यहाँ पे, ओइक सी ओ एच ग्रुप था, यहाँ पे सी ओ सी एल ग्रुप है, तो ऑयल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड है। क्लियर हो गया भाई? नहीं? यस मैम। इतने उससे समझाया बेसिक से, मेरे ख्याल से तो दो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। आप लोगों ने ये पढ़ना है भाई, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए था अगर आपने किताबें खोली होती तो। 1 2 3 4 इसका इसका जो नेम होता है वो क्या होता है बच्चे? ब्यूटेन अमाइड। इस वाले ग्रुप का नाम क्या होता है? सीओ एन एच टू जहां दिख गया, अमाइड लगता है एज अ सफिक्स। एज अ सफिक्स क्या लगेगा? अमाइड। क्लियर है? आपकी टेबल है चैप्टर में 337 जो भी पेज नंबर है उस पर देख लेना, येलो कलर की एक बार उस टेबल को बच्चे निकाल के बैठो, याद करो, ठीक है? राहुल तुम्हें समझ में आ गया भाई? बाकियों को समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, समझ में आ गया होगा, अगर निकाल के देखोगे तो पता ही चल जाएगा। पीछे से नेम चेंज करते रहना है फंक्शनल ग्रुप जब जब चेंज होते जा रहा है तो, ठीक है? तो कौन से फंक्शनल ग्रुप है? मैं एक एस्टर का और बता रही थी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आदर्श मैं पक्का पूछूंगी कि ये कोई भी ग्रुप लिख के दूंगी, और फंक्शनल ग्रुप वाले सारी नेमिंग तुम ही बताओगे। एस्टर का नेम देखो कैसे लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता था ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने तो रैंडमली क्लास में करवा दिया, मुझे नहीं पता किस बच्चे ने बोला, याद नहीं है मतलब, कि ये उसके अभी एग्जाम हुआ था परसों, उसमें आ गया, उसमें आया था इसका नेम, पूछा था नेमिंग में, तो फिर तब मुझे लगा कि हाँ एस्टर भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भी, 11th क्लास में भी, ठीक है? नेमिंग देखो इसकी कैसे करेंगे, C2H5, इस तरफ आपका इथाइल ग्रुप लगा, यानी कि दो कार्बन वाला है, तो इसका नेम क्या हो गया? इथाइल, यहाँ पे। उसके बाद यहां से नंबरिंग करी 1 2 3, ये तीन कार्बन की चेन थी, तो आप इसको लिखोगे प्रोपेनोएट, ओएट। जैसे COOH के लिए ओइक था, COCl के लिए ऑयल हैलाइड, मतलब जो भी एक सीएल लिखा है तो क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी था ऑयल लगा करना था। CONH2 के लिए जैसे अमाइड था, ऐसे ही COO अगर आ गया है, COO ये लिखा ऐसे जाता है, C डबल बॉन्ड O C2H5 CH2 CH3, ये ऐसे लिखा जाता है, मतलब डबल बॉन्ड ऊपर और एक इधर। इथाइल आपको ये वाला लिखना है, तीन कार्बन थे, प्रोपेन लगाया, और इसका सफिक्स होता है ओएट, जैसे ओइक ऑयल हैलाइड अमाइड, ऐसे इसका होता है ओएट। क्लियर हुई बात? यस मैम। एस्टर है हाँ, इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? एस्टर। CH3 CH2 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 COO, जरूरी नहीं है CO ऐसे लगा कर दें, वो आपको सिंपल भी दे सकते हैं, और CH2 CH2 CH3। अब इसका नेम बताओ क्या होगा? इस तरफ O के पास क्या कौन सा तीन कार्बन वाला है, तो ये क्या लिखूंगी मैं इसको? प्रोपाइल। और इस तरफ काउंट करूंगी 1 2, इस कार्बन को इंक्लूड करना है यहाँ जो इसके साथ लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, पेंटेन ओएट, तो आपने उसका लिखना ही है, और ए हटा के यहाँ पे लिख देना है ओएट। क्लियर हुई बात? प्रोपाइल पेंटेन ओएट। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, COO C2H5 लिखा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, इथाइल बेंजोएट। क्लियर है? बेंजोएट। अब मैं ये COO ऐसे नहीं लगाती हूँ, एस्टर की नेमिंग को ध्यान से देखो, COO C2H5, या फिर अब यहाँ पे लिख लो CH3। क्या नेम होगा इसका? मिथाइल, क्योंकि यहाँ मिथाइल लगा है, और ये दो कार्बन है 1 और 2, इसलिए इथेनोएट। क्लियर है? क्लियर है विकास, राहुल, सृष्टि? बोलो भाई। यस मैम। क्लियर हो गया? एस्टर की नेमिंग हो जाएगी इजीली, अमाइड की हो जाएगी, ऑयल हैलाइड की हो जाएगी, इथर का एक और देख लो, अगर इथर वाला कोई हुआ फंक्शनल ग्रुप, CH3 इथर होता है बच्चे, अगर दोनों ओ है, इस तरफ भी कोई अल्काइल चेन है और इस तरफ भी कोई अल्काइल चेन है,
है? अच्छा एस्टर में एक और छूट गया, उसको देख लो पहले। एस्टर में अगर आपकी ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग हो रखी होगी तो O C2H5। अब इसका नेम क्या होगा? इथाइल, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, तो क्या हो गया? 2 पर है मिथाइल, 2 पर क्या है? अच्छा इसके बीच में यहाँ ये नहीं लगाना, इथाइल। 2 पर है मिथाइल और फिर क्या है इसका नेम? प्रोपेनोएट। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? यस सर। टू पोजीशन पे मिथाइल लगाया और प्रोपेनोइड के, मतलब प्रोपेनोइड ये हो गया और इस प्रोपेनोइड के टू पोजीशन पे मिथाइल लाए। क्लियर? अब देख लो फटाफट से इथर वाला, CH3O और C2H5 लिखा है, यानी कि इस तरफ इथाइल है, इस तरफ मिथाइल है। इसका नेम होगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। समझ में आई? इथेन जो बड़ी वाली चेन है उसको नेम दे दिया इथेन, और ये जो ग्रुप लगा है इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। या C2H5 के साथ O लगा होता तो आप इसको क्या नेम देते? इथॉक्सी। ऐसे ही तीन, लेकिन अगर दोनों तरफ चेन है तो उसमें से आपको लॉन्ग वाली चेन को चूज करना है। CH2 CH2, फिर लिखा है यहाँ पे O, फिर यहाँ पे CH2 CH2, और यहाँ पे रखा है CH3, और ये है CH3। दिख रहा है? यस 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 यस, CH3 यहाँ पर है। इन दोनों में से लॉन्गर चेन कौन सी है, ये वाली या ये वाली? फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? कौन सी है लॉन्ग चेन? लॉन्ग चेन किस तरफ है, फर्स्ट या फिर सेकंड वाली? चार कार्बन वाली लॉन्ग चेन है। बोलो भाई, जहां चार कार्बन है वो लॉन्ग चेन है। इसमें ब्यूटेन बनेगा और यहाँ पे मतलब तीन ही कार्बन है, प्रोपेन बनेगा। नंबरिंग करोगे यहाँ पे 1 2 4, तो आप इसका नाम लिखोगे 2 प्रोपॉक्सी 2 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर हुई बात? टू पोजीशन पे है आपका प्रोपॉक्सी और चार थे इसलिए ब्यूटेन। क्लियर है? साक्षी, सृष्टि, सिमरन, सौरभ, यस मैम। अरे तुम दोनों अगर बातें करोगे ना ऐसे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। ठीक है भाई आदर्श, मुझे नहीं दिख रहा, मेरा चैट बॉक्स भर गया तुम्हारी बातों से, मुझे यस मैम वाला नहीं दिख रहा फिर। इसलिए ईथर की भी नेमिंग हो गई, एस्टर की हो गई, अमाइड की हो गई, ऑयल हैलाइड की हो गई, अमाइड हो गया, और क्या रह गया? ईथर भी हो गया, और कोई ग्रुप है? एस्टर, हलाइट, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब सुन लो कि अगर मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ, CH2 COOH, दो अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आ गए तब कैसे मैं नाम करूंगी, नंबरिंग करूंगी? फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रेफरेंस देना है नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब जो ये वाला ग्रुप है बच्चे, ये वाला अभी तक मैं कीटोन ग्रुप था, ये ओन की तरह ले रही थी, पर अब ये ग्रुप मेरा एज अ प्रिफिक्स यूज होगा, सफिक्स यूज नहीं होगा। प्रायोरिटी में COH पहले आता है, ठीक है? तो इसका नेम क्या लिखूंगी मैं? थ्री ऑक्सो, थ्री पोजिशन पे ऑक्सो, इसका जो नेम होता है प्रिफिक्स में वो ऑक्सो होता है, थ्री ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? आई कुछ बात समझ में किसी को? यस मैम। किसने हैंड रेज किया भाई जरा? अच्छा एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो इनके ऑर्डर को याद करने के लिए, प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए, प्रेफरेंस ऑर्डर याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। कार वाली सलोनी आई, कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना अलबेला,
सियाना अल्बेला को एल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम दो तो। कौन बोलेगा भाई इसको कक्षा के अंदर? सृष्टि बोल सकती हो मेरे साथ? कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना अल्बेला को एल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम दो तो। मैं भी इसका बताती हूँ क्या यूज है। पहले दो बार विकास, माइक कौन हो सकता है? विकास, सौरभ, नहीं, आयशा, राहुल, आयशा बोलना जरा एक बार। कार वाली सलोनी आई, इस पर वाली सलोनी आई इस पर ऑयल कलर आजमाया, सयाना अल्बेला को एल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम दो दो। राहुल माइक ऑन करो। राहुल, कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना अल्बेला को एल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम दो तो। ठीक है, मैं इसके सबके फुल फॉर्म बताती हूँ। जस्ट कार मींस क्या होगा बताओ जरा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, उसके बाद एसओ, सलोनी मींस है SO3, है सल्फोनिक ग्रुप। ऑर्डर बता रही हूँ फंक्शनल ग्रुप का कैसे याद रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो किसको प्रेफरेंस देना है। इस पर मींस है आपका एस्टर, एस्टर ग्रुप COOR होता है, ठीक है? मतलब R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, कुछ भी। ऑयल मींस ऑयल हैलाइड वाला, COCl, ठीक है? उसके बाद अजमाया मींस अमाइड, CONH2 ग्रुप, क्लियर है? सयाना मींस CN नाइट्राइल ग्रुप, अल्बेला मींस आपका एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, कीटोन मींस आपका कीटोन वाला ग्रुप, कोक मींस कीटोन, एल्कोहल का OH, पिलाया, थोड़ा आम, आम मींस हो गया आपका NH2 ग्रुप, और दो मींस डबल बॉन्ड, और तीन मींस ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया? ऑर्डर याद हो गया? जहां पे भी आपको दो फंक्शनल ग्रुप अगर दिख रहे हैं तो आपको जो प्रेफरेंस में फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे छोटा नंबर देना है, क्लियर है? जो प्रेफरेंस में फंक्शनल ग्रुप होगा उसको आपको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अभी तो अल्बेला ही ठीक है, अल्बेला इसलिए है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है? आदर्श कुछ बना लेगा केमिकल कंपाउंड में तो उसका नाम भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्लियर है? कार्बोक्सिलिक अगर दो ग्रुप अगर लगे हैं बच्चे, एक और तुम इनके प्रीफिक्स याद कर लो, OH का अगर एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो हाइड्रोक्सी नेम होता है प्रीफिक्स में, और अगर एज अ सफिक्स ये लगता है तो क्या नेम होता है इसका? ओल। अब कहाँ पे सफिक्स लगेगा, कहाँ पे ओल लगेगा, ये देखो। अगर मेरे पास OH है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, नंबरिंग कहाँ से करूंगी? मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसको प्रेफरेंस दूंगी, 1, 2, 3। ईन से नहीं करूंगी, ओल से करूंगी, क्योंकि ओल जो है ये प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले आ रहा है ईन से, क्लियर है? बोलो भाई। हाँ, yes, नेम क्या हो जाएगा इसका? प्रोप टू ईनॉल, क्लियर है? टू पोजीशन पे ईन ऑल। अब ये किसकी, ओल किसकी तरह यूज हुआ है? एज अ सफिक्स। अब यही अगर मेरा पास ये OH जो है इसके साथ लगा होता, COCl के साथ यहाँ OH लगा होता, तो मुझे पता है, या फिर CO, एक और एग्जांपल ले लो, कार्बन की चेन है ये और ये CN लिखा है, यहाँ पर OH लिखा होता, तो आपको पता है कि नंबरिंग मुझे यहाँ से वन नंबर देना है, 2, 3। क्या नेम होगा इसका? ये 4। क्या नेम हो गया इसका? 3-hydroxy। अब ये OH जो है इसको मैं ओल नहीं ले रही हूँ, ओल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ओल था, क्योंकि यहाँ पे यही फंक्शनल ग्रुप था जो प्रेफरेंस में था, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये COCl है जो प्रेफरेंस में है, जो कि मैंने भी ऑर्डर आपको बताया, COCl पहले है OH से। बात क्लियर हो रही है? तो फंक्शनल ग्रुप एक ही प्रेफरेंस में, अब ये वाले को मैं एज अ प्रीफिक्स यूज करूंगी, इसका नेम होगा 3-hydroxy ब्यूटेनॉइल
क्लोराइड. क्लियर हुई बात? ब्यूटेनॉइल क्लोराइड. मैम हमें ये कहां पर चलेगा कि सफिक्स में और प्रीफिक्स में क्या क्या नेम लेना है? ये नेम आपकी बुक में लिखा हुआ है. OH जब एज अ सफिक्स यूज होगा तो ओल, एज अ प्रीफिक्स होगा तो हाइड्रोक्सी. सेम ऐसी कीटोन के लिए भी लिखा है कि अगर ये कीटोन ग्रुप मेरा, ये वाला ग्रुप अगर मेरे पास इस तरीके से एक चेन में लिखा होता तो इसमें अभी कोई फंक्शनल ग्रुप और नहीं है, सिर्फ यही एक फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं इसका नाम क्या लिखती? ब्यूटेनोन. क्या नाम होता है इसका? ब्यूटेन टू ओन. यही होता 1-2 ब्यूटेन टू ओन. लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा है सी एन, जो कि प्रेफरेंस में है ऑक्सो इससे, तो अब ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा और एज अ प्रीफिक्स इसको बोलते हैं ऑक्सो. तो इसका नेम हो गया 3-ऑक्सो प्रोपेन नाइट्राइल. प्रोपेन नाइट्राइल. इसका नाम, इसको जो एज अ सफिक्स है वो नाइट्राइल यूज करते हैं. सी एन को एज अ सफिक्स जब यूज करते हैं तो नाइट्राइल यूज करते हैं, और एज अ जब इसको प्रीफिक्स यूज करते हैं, सपोज सी ओ एच के साथ ये लगा था तो सी ओ एच तो फर्स्ट नंबर पे आता है, तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. ठीक है, अगर ये फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप में भी इसको ही लिखूंगी एज अ सफिक्स. तो इसका नेम हो गया 3-साइनो. अब मैं इसको जैसे ओ एच को हाइड्रोक्सी लिख रही थी, ऐसे ही इसको क्या लिखूंगी? साइनो. और यही अगर मेरा एज अ सफिक्स यूज होता, मतलब सिर्फ यही फंक्शनल ग्रुप होता, तो नाइट्राइल लिखती हूँ जब मैं इसे सफिक्स में लिखती हूँ. आपके पास टेबल बनी है, उसमें सब लिखा हुआ है, उस किताब को खोल के देखो, वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है. 3-साइनोब्यूटेनॉइक एसिड. क्लियर है बात? यस मैम. अगर यहाँ पर नहीं होता ये सी ओ एच तो इसका नाम क्या होता? प्रोपेन नाइट्राइल. टू मिथाइल 1 नंबर इसको देती. क्लियर है? अगर मेरे पास सी ओ एच ग्रुप नहीं होता वहां पर तो मेरी चेन होती 1-2-3-4. यहाँ ओ एच लगा है और यहाँ सी एन लगा था. ठीक है, तो मैं नंबरिंग यहां से 1 यहां से नहीं करूंगी, मुझे नाइट्राइल मेरा सयाना अल्बेला, सयाना अल्बेला है ना, तो यानी कि सयाना में सी एन पहले था किससे? ओ एच से, एल्कोहल ग्रुप से. तो 1-2-3-4 नंबरिंग यहां से होगी. क्लियर है? इसका नेम हो जाएगा 2-मिथाइल. 2-मिथाइल से पहले आ जाएगा 4-हाइड्रोक्सी. 4 पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी. 2 पे है ये मिथाइल ग्रुप. और क्या आ गया इसका नेम? ब्यूटेन नाइट्राइल. क्लियर है? Yes, पक्का क्लियर है सबको? बच्चे ये सारा का सारा नेमिंग करवा रही हूँ नॉमिनक्लेचर आपके. देखो एनसीईआरटी में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिखा है और फिर वो चार्ट दे दिया, खत्म, कुछ नहीं बताया आगे. और नेमिंग में किस तरह, और ऑर्डर के लिए भी ये जो टेबल मैंने आपको याद करने के लिए दी वो भी है उसमें, मतलब उसमें वो नहीं लिखा सयाना अल्बेला, वो सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक और ये सब लिख के दिया है. लेकिन आपको याद रखना है कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल डालो, ठीक है, इस पर ऑयल कलर अजमाया, अजमाया से अमाइड, इस पर ऑयल कलर अजमाया, उसके आगे क्या था भाई सृष्टि? इस पर ऑयल कलर अजमाया सयाना अल्बे, हाँ सयाना अल्बेला को एल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम दो तो, ठीक है ना, आम से अमीन, 2 से डबल बॉन्ड, 3 से ट्रिपल बॉन्ड. तो प्रेफरेंस कब, जब जिस तरीके से आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो जो जिसको प्रेफरेंस मिलेगी तो वो क्या होगा, तो क्या होगा वो, हाँ भाई मेरी वाली लाइन है, मतलब मैंने अपने मन से नहीं बनाई है ये, मुझे भी किसी ने बताई पढ़ाई है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताई है. ठीक है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले होगा वो एज अ फंक्शनल ग्रुप, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए अगर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो. क्लियर है? अगर आपके पास बच्चे एक तरफ लॉन्ग चेन बन रही है, अब चलो फटाफट से मुझे एग्जांपल्स भी करके बता दो, क्वेश्चन बताओ दो फटाफट से. कितने क्वेश्चन सामने आ गए स्क्रीन पे? हेलो यस मैम. यस मैम. किसमें लॉन्ग चेन आप ये वाली लोगे?
ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नेम हो गया इसका? 4 नाइट्रो, 4 पे क्या है? नाइट्रो, और उससे पहले भी आपका आ जाएगा 1 2 3 3 और 5 डाइमिथाइल, क्लियर है? 3 5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रो हेप्टेन, 7 की चेन है, हेप्टेन, क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पे आओ, सेकेंड क्वेश्चन में बच्चे लॉन्ग चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली बन रही है, लेकिन इसमें मेरा इन ग्रुप जो है वो नहीं इंक्लूड हो रहा है, तो बच्चे इन यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल नहीं है, मींस इन ही फंक्शनल ग्रुप है, इन को आप नंबर 1 दोगे, और चाहे आपकी शॉर्ट चेन भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, आपको नंबर 1 इसे देना है, दिख रहा है? 1 इसको मिलेगा, 2 ये, 3 4 5 6, क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप या फिर ई फंक्शनल ग्रुप में ही आ गया, ई नाइन भी फंक्शनल ग्रुप में ही आ गया, उसको नंबर 1 छोटा नंबर देना है, और वो मेन चेन में आना चाहिए, क्लियर है आयशा ये बात? वो मेन चेन के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, चाहे आपकी लॉन्ग चेन कोई दूसरी आ रही है, लेकिन अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन जो चेन होगी उसके अंदर आपका नंबर तो है उसमें, क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है? मैं भी नंबर ही पढ़ रही हूँ भाई, 1 2 3 कहाँ है? अभी ये लगाया है मैंने, 1 तब आया है उसके पास, नहीं तो ये वाली लॉन्ग चेन आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लॉन्ग चेन का रूल देखोगे तो आप इसको लॉन्ग चेन ले लोगे, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप भी देखना, अगर इसकी जगह ओ एच होता या सी ओ एच होता या कुछ भी होता तो उसको नंबर 1 मिलता। अच्छा ओ एच को नहीं, हाँ ओ एच तो ऑलरेडी आ जाता उसके अंदर, क्लियर है ना? ओ एच को तो आप मतलब छोटा नंबर देते, कार्बन को देने होते हैं नंबर, क्लियर है? इसका नेम क्या होगा? 2 पे है आपका इथाइल ग्रुप, 2 पे क्या लगा है आपका? इथाइल, 2 इथाइल, 4 पे क्या है? आइडो, 4 आइडो, 5 6 6 पे कौन सा है? ये एनओ का नाम होता है नाइट्रोसो, एनओ का नेम क्या होता है? नाइट्रोसो, और एनओ 2 का नेम होता है नाइट्रो, क्लियर है? एनओ का नेम नाइट्रोसो, तो 6 पे है आपका नाइट्रोसो, कितने की चेन है? हेक्सीन, ईन आ गया क्योंकि ये ईन ग्रुप है, क्लियर है भाई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ को भी जा सकते थे आप, इधर भी 1 2 3 4 इधर भी जा सकते थे, लेकिन आप इस तरफ जाओगे, क्यों? ये अगर आपको दिख रहा हो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो 2 डबल बॉन्ड जब आपको आपकी चेन में मिल रहे हैं तो आप इस तरफ जाओगे, क्लियर है? बोलो भाई, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? सौरभ, 1 2 3 4, क्या नेम हो गया इसका? 2 पर क्या है आपका? क्लोरोइथाइल, 2 पोजीशन पे क्या लगा है आपका? क्लोरोइथाइल, और 4 पे क्या लगा है आपका? 4 पे क्या है? क्लोरो, 4 पे है क्लोरो, 2 पे क्लोरोइथाइल, और 1 2 3, 1 और 3 पे क्या है? ब्यूटेन, 1 3 डाइईन, क्लियर हुई बात भाई? सृष्टि, राहुल, विकास, राहुल समझ में आया? करिश्मा, आयशा, यस मैम, चलो पवन अच्छी बात है तुम्हें भी समझ में आ गया। सौरभ, विकास, फरीन, क्लियर हो रहा है बच्चे? ये आपका वही आ गया आपका इथर वाला जो मैंने बताया था, इथॉक्सी इथेन, इस तरफ इथॉक्सी, एक तरफ वाले को इथेन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट आओ, इसको लोगे इथॉक्सी, लॉन्ग वाली चेन का नाम रखोगे प्रोपेन, तो इसका नेम हो गया इथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर है ये बात? उससे नेक्स्ट वाले में आओ, ये भी करवा दिया मैंने, ये भी हो गया है, यस क्लियर है? लास्ट वाला देख लो एक बार, देखना चाहते हो तो फटाफट से, लास्ट वाले में देखो बच्चे क्या है, 1 2 3, ठीक है, और यहां वाली चेन से नेम भी करोगे तो 1 2 3 4, आप क्या लिखोगे? 2 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 2 पे क्या है भाई? 1 मिथाइल, 2 पे क्या लिखा हुआ है? मिथाइल इथॉक्सी, क्या है 2 पर? मिथाइल इथॉक्सी ब्यूटे
ब्यूटेन। क्लियर है भाई बात, समझ में आई ये बात मैंने क्या करी है? टू पोजीशन पे आपका बच्चे मिथाइल इथॉक्सी बना हुआ है, मतलब कि मिथाइल निकल रहा है किससे, इथॉक्सी से। ये इथॉक्सी था CH2CH3 और इस इथॉक्सी से एक मिथाइल निकला हुआ है। क्लियर है बात? यस मैम। पक्का सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो भाई आज की रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ, यहीं तक रखते हैं। फंक्शनल ग्रुप को करके आना, फंक्शनल ग्रुप की